चलिए जी, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन है, सेक्शन 15, एक ही सेक्शन है बेचारा, एक सेक्शन है, एक ही चैप्टर है, लेकिन इसके रूल बहुत है, ठीक है ना। तो कई बार तुम्हें कुछ चैप्टर ऐसे मिलेंगे जिसके रूल नहीं होंगे, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, सेक्शन एक ही है, रूल कई सारे। अब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात क्या करता है, ये वाला जो सेक्शन है ये भी थोड़ा सा ना पिछड़ा हुआ सेक्शन है। सर पिछड़ा हुआ मतलब जो तुम लोग कंप्लाइंस वाले लोग हो ना, इन चैप्टरों की वैल्यू नहीं करते। जो कंसल्टेंसी वाले लोग हैं, इन चैप्टरों की वैल्यू करते हैं। कैसे करते हैं कंसल्टेंसी वाले? अब इसमें क्या कहता है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या चीज़ है। जब GST बना और जब GST का हमने चार्जिंग सेक्शन देखा था, तो चार्जिंग सेक्शन 9 में ये बात लिखी गई थी कि भाई जो वैल्यू होगी किस चीज़ की, जो ट्रांजेक्शनल की वैल्यू होगी, वो सेक्शन 15 से निकालेंगे। लेकिन सेक्शन 15 ने एक शर्त रख दी कि सेक्शन 15 तभी लगेगा जब उसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। मैंने कहा कैसे, करा तो नहीं ना मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई तुम्हारे बैच में? हाँ बोलो, बता देना, कभी तुम मजे लेते रहो, रिवीजन होता रहे तुम्हारा। हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना, ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर है, तुम्हें पता है मेरी एक मोबाइल की दुकान है ना, मेरी मोबाइल की दुकान है, कभी आना तुम्हें मोबाइल दिलाऊंगा मैं, ठीक है। अब मेरी मोबाइल की दुकान पर चार कस्टमर आए, ठीक है ना, चार कस्टमर आए आईफोन खरीदने, वो आईफोन में खरीद कर लाया था 50,000 का। जरा ध्यान से समझना, 50,000 का मैं आईफोन खरीद के लाया और मेरे पास चार कस्टमर आए, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर का एंगल देखेंगे। पहला कस्टमर जो था, किससे शुरुआत कर ले, पहला कस्टमर मान लो मेरे एक स्टूडेंट ही आए, मनोज मेहता। मैंने कहा मनोज मेहता कस्टमर है, ठीक है ना, स्टूडेंट है, इन्हें ना थोड़ा सा, ठीक है ना, 50,000 का मोबाइल कितने में बेच दूँ, बोलो कितने में बेच दूँ इन्हें, जल्दी बताओ यार तुम। ये कह रहे 30,000 में बेच दूँ, ये कह रहे 30 में बेच दूँ, है तुम तो मतलब कि ना तुम चाहते हो कि मैं लंगर में चला जाऊँ। मैं जाऊँगा नहीं लंगर में, मैं किताब पढ़ता रहता हूँ, हाउ टू बी बिकम रिच, ठीक है ना। तो मुझे लंगर में बेचने में ना बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। तो मैंने इसे बेच दिया 55,000 में, ठीक है। एक दूसरी कस्टमर आई जो थी मेरी बचपन का प्यार। कौन थी? बचपन का प्यार, ठीक है ना। अब आ गई वो, अब उसे कितने में बेच दूं? नहीं, ये कह रहे पक्का फ्री दे दो, लेकिन बनिया आदमी हूं, फ्री नहीं देना चाहता मैं, ठीक है, हिसाब किताब भी तो रखना पड़ेगा। हाँ, इन्होंने कहा सर, मैंने कहा चल, उसने कहा तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरे काम आओगे, आज मुझे आईफोन चाहिए, अब ये वादा निभा दो। मैंने कहा वादे के चक्कर में दुकान बर्बाद हो जाएगी तेरी। कह रही फिर भी सही। मैंने कहा चलो, 50 का खरीदा था, कह रही चलो आधे तुम दे दो आधे मैं दे दूँ, तो मैंने उसे दे दिया 25,000 का। ध्यान से समझना, मैंने उसे दे दिया 25,000 का। फिर मेरे पास आया सलमान खान और उसने बोला जैन साहब कितने का दोगे मोबाइल? मैंने कहा बस तुम एक बार ये कह देना मैंने इसकी दुकान से मोबाइल ये खरीदा है। मैंने सलमान खान को दे दिया 10,000 में। फिर मेरा भाई आया, सगा भाई, उसने कहा कितने का? मैंने कहा भाई तेरे से क्या लेना, 50,000। फिर मेरे पास एक कस्टमर ऐसे ही आ गया अनजान, मैंने उसे दे दिया 80,000 का।
ठीक है जी। अब ये बताओ जीएसटी किस पर कितने रुपए पे लगेगा, पहली ट्रांजैक्शन पे कितने रुपए पे जीएसटी, बोलो फटाफट 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 बोलो जीएसटी कितने पे लगेगा, बोलो 55 पे, राइट। दूसरी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी कितने पे लगेगा, दूसरी ट्रांजैक्शन पे किस पे लगेगा, अमाउंट बोलो अमाउंट, इंग्लिश मत करो, एफएमवी, कुछ कह रहे 55 कुछ कह रहे 25, यहां पे कंफ्यूजन आ गई लोगों को। चलो तीसरी ट्रांजैक्शन पे कितने पे लगेगा, तीसरी 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 पे कितने पे लगेगा, यहां पर भी लोगों को कंफ्यूजन आ गई, 50 कोई कह रहा है 55 कोई कह रहा है 10, यहां पर भी कंफ्यूजन आ गई थोड़ी सी। चौथी ट्रांजैक्शन पे कितने पे लगेगा, ये कह रहे हैं विजय साजी कह रहे हैं कि सब पे 50-55 पे लगा दो, यहां पे भी लोगों को कंफ्यूजन है। अनजान व्यक्ति को दिया, यहां पर कितने पे लगेगा, अनजान व्यक्ति को 80,000 में बेच दिया, हाँ तो 80। अबे भाई तुम मेरी बात सुनो, तुम कंफ्यूज हो गए, जब मैं 50,000 की चीज गवर्नमेंट को 80,000 में बेच रहा हूं, जब मैं डिस्काउंट विस्काउंट कुछ नहीं है भाई साहब, अभी डिस्काउंट नहीं है, हम डिस्काउंट की बात ही नहीं कर रहे, डिस्काउंट की बात करेंगे सेक्शन 15(3) में, लेकिन जब हम डिस्काउंट की बात ही नहीं कर रहे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि भाई 50,000 का सामान था उसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे बेच रहे हैं, तो जब मैं 80,000 रुपये में बेच रहा हूं तो गवर्नमेंट को 80,000 रुपये टैक्स जा रहा है, और वही अगर मैंने किसी को 25,000 में बेच दिया या मैंने सलमान खान को 10,000 में बेच दिया तो 10,000 रुपये क्यों नहीं ले रहे हो जीएसटी। तो सेक्शन 15(1) ने यही बात बोली, तुम सब लोगों को तो ये सेक्शन पढ़ना ही चाहिए था जिन लोगों ने गलत आंसर दिए। तो सेक्शन 15(1) ने ये बात बोली कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है शैल बी द ट्रांजेक्शनल वैल्यू, क्या बोला उसने, शैल बी द ट्रांजेक्शनल वैल्यू, कि जो भी तुम्हारी ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वही टैक्सेबल वैल्यू है, जो तुम्हारी ट्रांजेक्शन की ट्रांजेक्शनल वैल्यू है वही टैक्सेबल वैल्यू है, जिसे हम बोलते हैं विच इज प्राइज एक्चुअली पेड और पेबल, विच इज एक्चुअली प्राइज पेड और पेबल। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि कई बार ऐसा होता है मैं कहूँ जी मुझे तो प्राइज मिला ही नहीं, लेकिन प्राइज नहीं मिला पेबल तो है, जब आप उधार देते हो किसी को तो प्राइज पेड नहीं होता, वो क्या होता है पेबल, और अगर नगद देते हो तो वो क्या होता है प्राइज पेड। तो कह रहे विच इज द प्राइज एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और तो कह रहा है जो ट्रांजेक्शन में एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल है वही उसकी ट्रांजेक्शनल वैल्यू मानी जाएगी, वही उसकी टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन कब, लेकिन कब सेक्शन 15(1) कब लगेगा, जब वेयर द सप्लायर एंड द रिसीपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड, जहां पर सप्लायर और रिसीपिएंट रिलेटेड ना हो। अब यहां पर बताओ क्या ये, क्या जो मेरे ये, क्या थे एमएम, क्या था भाई शॉर्ट फॉर्म, क्या थी, किसे बेचा था मैंने मोबाइल, मनोज मेहता जी को, मनोज मेहता जी क्या मेरे रिलेटेड हैं, हाँ। अब ये कह रहे हाँ सर गुरु शिष्य है, अरे भाई जीएसटी में रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है, जब हम रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे वहां पर गुरु शिष्य को नहीं लिखा गया। तो क्या यहां पर 15(1) लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, बोलो 15(1) लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, आंसर इज यस। तो भाई इसमें जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू होगी ट्रांजेक्शनल वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 55। अब बताओ बचपन का प्यार क्या मेरा रिलेशन है, हाँ वो रिलेशन सिर्फ मेरी बीवी की नजरों में हो सकता है, लेकिन जीएसटी की नजरों में वो कोई रिलेशन नहीं, वगैरह बर्बाद हो जा साले तू, 25 में बेच, या जिसमें हम जीएसटी कितने पे लेंगे 25 पे, वही ट्रांजेक्शनल वैल्यू मान ली जाएगी। सलमान खान कोई मेरा रिलेटेड है क्या, नहीं, तो यहां पर भी कितनी हो जाएगी 10,000। हाँ मेरा ब्रदर जो है यहां पर 15(1) नहीं लगेगा, अगर मेरा ब्रदर मेरे रिलेटेड पर्सन में आएगा, अगर मेरा ब्रदर मेरे रिलेटेड पर्सन में आएगा, हम आगे चल के डेफिनेशन देखेंगे,
तो मेरा भाई मेरा रिलेटेड पर्सन हो भी सकता है नहीं भी। अगर वो मेरा रिलेटेड पर्सन होगा तो 15-1 नहीं आएगा, तो सर क्या आएगा? तो क्या आएगा उसमें? आएगा 15-4। उसमें क्या आएगा? 15-4। 15-4 क्या कहता है भाई साहब? 15-4 कहता है कि अगर 15-1 से वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रही तो उसके लिए रूल्स में जाना पड़ेगा। उसमें के लिए किस में जाना पड़ेगा? रूल्स में। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये? तो 15-1 हर जगह लगेगा, लेकिन एक जगह नहीं लगेगा जहां पर रिलेटेड पर्सन है। जहां पर 15-1 नहीं लगेगा वहां पर क्या लगेगा? 15-4 लगेगा। 15-4 मतलब रूल्स में। अब मेरी दुकान पर एक लड़का आ गया 14 फेब को, उस लड़के का नाम था विश्वजीत नायक। अब उसने कहा सर आईफोन लेना है। मैंने कहा तो ले आईफोन। कह रहा है 25,000 रुपये पर गर्लफ्रेंड को आज ही गिफ्ट करना है। मैंने भाई मैं नहीं दूंगा, 50,000 का तो खरीदा हुआ है, ठीक है ना, मैं तो 70,000 से कम नहीं दूंगा। कह रहा सर है ही 25,000 मेरे पे, ठीक है ना। नादान बच्चा था ये, इसे पता ही नहीं है, ये अपने होश हवास में ही नहीं है। कह रहा सर मुझे ये आईफोन दे दो, बदले में जो मर्जी ले लो। अब इसने अपने हाथ में एक घड़ी पहनी हुई थी। मैंने कहा तू ये घड़ी दे दे मुझे उतार के, और वो घड़ी थी रोलेक्स की। किसकी थी? रोलेक्स की। इसने कहा ठीक है सर ये ले लो। इसने मुझे 25,000 रुपये भी दे दिए और साथ में रोलेक्स की घड़ी भी उतार के दे दी। अब इस ट्रांजेक्शन पे GST किस पे लगेगा? 50,000 का मोबाइल था मेरी कॉस्टिंग, और मैंने विश्वजीत नायक को दी किस में? 25,000 प्लस में रोलेक्स की घड़ी में। अब जब मैंने घर जाकर रोलेक्स की घड़ी की कीमत देखी तो वो 10 लाख की थी। अब ये तो दीवाना था, दिया आया अपनी रोलेक्स की घड़ी। अब GST कितने पे लगेगा? अब GST कितने पे लगेगा? ये कह रहे बिल कितने का बनाया उस पर, ठीक है ना। वही तो क्वेश्चन है कि बिल कितने का बनेगा। जब मैं पूछ रहा हूं कि GST कितने पे लगेगा तो उसका मतलब यही तो है कि बिल कितने का बनेगा। ये कह रहे 10,25,000 में, ये कह रहे 10-25 में। अब जब मैंने घर जाके देखा हो भाई ये रोलेक्स की नहीं है, ये तो चाइना वाली घड़ी है 10 रुपए की, फिर कितने में लगेगा? ये तो चाइना वाली घड़ी है 10 रुपए की, फिर कितने में लगेगा? तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसे भी 15-1 डील नहीं करेगा, इसे भी जो डील करेगा 15-4 ही डील करेगा। इसे भी डील कौन करेगा? 15-4। तो 15-1 में क्या लिखा हुआ कि भाई पहली बात तो 15-1 कहां नहीं लगेगा? जब दोनों लोग रिलेटेड हो, और जहां पर प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन फॉर द सप्लाई। अगर प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन ऑफ द सप्लाई, मतलब जो प्राइस है 25,000, अगर वही कंसीडरेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो 15-1 लगा दो। अगर उसके अलावा कुछ है, अगर उसके अलावा कुछ है तो 15-1 मत लगाना। फिर क्या लगाना? 15-4। क्या लगाना फिर? 15-4। समझ आई मेरी बात या नहीं? बोलो 15-1 कहाँ कहाँ लगेगा? हर जगह लगेगा सर, दो जगह नहीं लगेगा। जहाँ पर सप्लायर और बायर रिलेटेड हो गए, और जहाँ पर पैसे के अलावा कुछ और दे दिया उसने, पैसे के अलावा कुछ और दे दिया, तो वहाँ पर 15-1 नहीं लगेगा। वहाँ क्या लगेगा? 15-4। क्या लगेगा? 15-4। क्लियर हो गई ये वाली कहानी या नहीं? बोलो 15-1 और 15-4 की कहानी क्लियर है? हाँ। और 15-1 में जो ट्रांजेक्शनल वैल्यू होगी वही होगी, ठीक है ना, क्लियर। चल अब हम चलते हैं आगे। अब ये दो सेक्शन तो हमने कर ली है जी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है सबसेक्शन 5 में? अब सबसेक्शन 5 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैं हूं गवर्नमेंट, और देखो पहली बात सुनना, ठीक है ना, पहली बार सुनना, गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना। हाँ, मुंबई वालों को तो पता होगी ये बात, ठीक है, मुंबई वालों, ठीक है ना। वो मुंबई में एक है हीरोइन, ठीक है ना, क्या नाम है उसका? कंगना रनौत है ना, कंगना रनौत जो भी है। उसने पता नहीं क्या कह दिया एक दिन उसे शिवसेना वगैरह वाले को, तो वायदा उसके घर चले गए, उसका मकान, उसका ऑफिस गिरा दिया।
कह रहे भाई ये इलीगल है, कब पता चला, जब इसने हमें कहा, ठीक है ना। मुंबई वाले दबंग आदमी होते वैसे। एक वो थे हर्षद मेहता जी, ठीक है ना, वो व्यक्ति वैसे गलत था कि चलो भाई फ्रॉड करा ये करा, लेकिन उसने क्या करा, उसने प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सीधा कह दिया भाई मैंने तो प्रधानमंत्री जी को पैसे दिए। अब भाई अगर तुम किसी को ऐसे ही आके कह दोगे कि भाई मैंने तो इस चीज के लिए प्रधानमंत्री को पैसे दिए, तो तुमने सीधा पंगा ले लिया गवर्नमेंट से, ठीक है। तो गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना है ना, तो क्यों नहीं लेना गवर्नमेंट से पंगा। अब ये सब सेक्शन 5 पढ़ लो, जब भी मैं ऐसे सेक्शन पढ़ता हूँ मुझे याद आ जाता है। वो कह रहा है कि बाढ़ में गया सब सेक्शन 1, बाढ़ में गया सब सेक्शन 4। अगर हमने कहा इस सप्लाई की वैल्यू ये है तो यही होगी। द वैल्यू ऑफ सब सप्लाई एज बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल शैल बी डिटरमाइंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कि अगर हमने कहा कि इन सप्लाई की वैल्यू ये होनी चाहिए तो वही होगी, 1 और 4 कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी रूल है, तो हम वो रूल पढ़ेंगे। जैसे लॉटरी का केस होता है, जैसे किसका केस होता है, मान लो लॉटरी का है, तो लॉटरी के केस में बोल दिया कि ऐसे निकालेंगे। या जैसे ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग के केस में बोल दिया भाई ऐसे निकालेंगे, बात खत्म। तो ये गवर्नमेंट्स के पास पावर है कि वो कुछ सप्लाई को क्या कर सकती है, वो कुछ सप्लाई को नोटिफाइड कर सकती है। वो क्या कर सकती है, कुछ सप्लाई को नोटिफाइड कर सकती है कि इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो 15-1 क्लियर, 15-4 क्लियर, कि जहां पर 15-1 नहीं लगेगा 15-4 लगेगा, 15-5 क्लियर। अब ये 2 और 3 और क्लियर कर लो, पढ़ाएंगे कल इसे, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कर लो कि 15-1 में जो वैल्यू निकलेगी उसमें 15-2 को प्लस करेंगे और 15-3 को माइनस करेंगे, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए जो 15-1 में निकल कर आएगी उसमें क्या ऐड करेंगे, 15-2 और माइनस क्या करेंगे, 15-3। तो 15-2 क्या कहता है कि आपने अगर अपने बिल में कुछ लिख दिया और उस पर GST नहीं लिया, और अगर वो 15-2 से कवरअप है, वो किससे कवरअप है, 15-2 से कवरअप है, तो आपको उस पर भी GST देना पड़ेगा, उस पर भी GST देना पड़ेगा। तो इसने क्या बोला, ABCDE, ये 5 आइटम्स को बोला कि इन 5 आइटम्स को भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे जब GST लगाएंगे। तो जैसे हम एग्जांपल से कर ले, जैसे भाई इंश्योरेंस चार्ज है, फ्रेट चार्ज है, लगाओ या मत लगाओ उस पर GST लगेगी, समझ आ गई। जैसे अभी मान लो मैं कुछ सामान लेकर आया, तो सामान बैठा 45,000 का, मैंने पूछा भाई भाड़ा कितना लगेगा, उसने कहा 1,000 और लगेगा 46। तो कई बार जो दुकान वाले होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई इसे 1,000 के भाड़े को कैश में दे जाओ। मैं कहता हूँ अकाउंट में ही पे करा लो ना यार, बिल में जोड़ देना। कह रहे नहीं, अगर तुमने इसे बिल में जुड़वाया तो हमें उस पर भी GST देना पड़ जाएगा। एग्री कर रहे हो मेरी बात से या नहीं, बोलो। तो ये वाली बात कहाँ लिखी है, ये 15-2 में लिखी है। ये किस में लिखी है, 15-2 में, कि भाई अगर कुछ भी चार्जेज है ABCDE वो इंक्लूड करोगे। और 15-3 में क्या लिखा हुआ है, कि अगर कोई डिस्काउंट है, अगर कोई डिस्काउंट है उसे इंक्लूड नहीं करोगे, मतलब डिस्काउंट पे GST नहीं लगाओगे। लेकिन ये डिस्काउंट कुछ शर्तें पूरी करना चाहिए, डिस्काउंट क्या हो, वो कुछ शर्तों को पूरी करे, तभी आप उस डिस्काउंट को माइनस करोगे, ठीक है। तो ये कहता है 15-3। ये वाला क्लियर हुआ, पूरा सेक्शन 15 क्लियर हो गया या नहीं, हाँ। तो कल की क्लास में हम ये 15-2 और 15-3 को करेंगे और जो हमारे रूल्स होंगे उसे करेंगे। अब इसमें क्या कहता है, जब तुम रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ोगे, बोलो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 कौन से क्लोज में, फटाफट से बताओ सेक्शन 2 कौन से क्लोज में रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन, जल्दी जल्दी बताओ सेक्शन 2 क्लोज कौन सा है, सारी डेफिनेशन किसमें है, सारी डेफिनेशन किसमें, सेक्शन 2 में है। तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन ढूंढो वहां से, मिली मिली या नहीं मिली, सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में, ढूंढो सेक्शन 2 में रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन, मिली
ये कह रहे तुम ही ढूंढ लो, हमारा तो रात का टाइम हो रहा सोने का, हम तो क्लास ख़त्म करेंगे, खाना पीना खाएंगे, बस टीवी देखेंगे, सो जाएंगे। हाँ ये कह रहे 94 में, हाँ 294 में, ये देखो इधर नींद आने लग गई भाई को, 94 में वो रजिस्टर्ड पर्सन है यार, इधर नींद आ गई भाई को, एक कह रहा 84 में, ठीक है 84 में पर्सन की डेफिनेशन है, इधर पर्सन और रिलेटेड पर्सन में अंतर नहीं आ रहा। रचना जैन कह रही 49 में, रचना जैन सी है, ये तो फैमिली की डेफिनेशन है। हम सेक्शन 15(1) में क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड पर्सन, किसकी बात लिखा हुआ है, ये कह रहे 76, उसे भी देख लेते। अरे 76 में तो मोटर व्हीकल की है, क्या तुम नींद में हो गया, तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 में है ही नहीं, ठीक है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 में है ही नहीं, तो कहां पर है वो, सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन में है, सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन में। मैं तो कई बार कोई इंटरव्यू देने आता है, मैं कहता हूँ कि भाई सेक्शन 15 पढ़ा है, कहते हैं हाँ पढ़ा है, मैं कहता हूँ उसमें एक कंसेप्ट है रिलेटेड पर्सन का, वो पढ़ा है, कह रहे हाँ पढ़ा है, रिलेटेड पर्सन में वो फटाफट बताता रहता है मुझे कि रिलेटेड पर्सन में 15(1) से नहीं निकलता, रूल्स में निकलती है टैक्सेबल वैल्यू। मैं कहता अच्छा डेफिनेशन कहाँ लिखी है सेक्शन 2 में, वो ढूंढता रहता, मिलती नहीं ऐसे, तो ऐसे मैं ढूंढते रहना, ठीक है, मिलेगी नहीं। तो ये लिखा हुआ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन इफ, ठीक है ना, तो इस एक्ट के लिए रिलेटेड पर्सन की जो डेफिनेशन है वो 15, ठीक है ना, सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन में। तो किन किन को रिलेटेड माना गया है, जैसे एम्प्लॉई और एम्प्लॉई को, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को रिलेटेड माना गया है, ठीक है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, इसे कल तक सोल्व करके लाना, कि कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, फिनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और उसका डायरेक्टर है कपिल जैन, ये रिलेटेड होंगे या नहीं, बस ये निकाल के लाना, ये ढूंढ के लाना, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि वो रिलेटेड जब होंगे, अगर वो सेम फैमिली मेंबर है, क्या है जी, वो सेम फैमिली मेंबर है तो रिलेटेड होंगे। अब तुम्हें फैमिली की डेफिनेशन पढ़नी है, अब तुम्हें बताना मेरे भाई का अपना बिजनेस है, मेरे भाई का नाम है राजीव जैन, उसका अपना बिजनेस है, मेरा नाम है कपिल जैन, अब बताओ हम दोनों रिलेटेड है या नहीं, अगर हम दोनों कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो रिलेटेड है या नहीं, फटाफट से बोलो, बोलो रिलेटेड है या नहीं, मैं और मेरा भाई रिलेटेड है या नहीं, फटाफट से बोलो जल्दी, मैं और मेरा भाई रिलेटेड है या नहीं, हाँ मैं और मेरा भाई रिलेटेड है या नहीं, आंसर इज नो। ये कलयुग है, जीएसटी लॉ में कलयुग को देखकर जीएसटी लॉ बनाया गया है। अब यहां पर फैमिली की डेफिनेशन पढ़ो, मैं और मेरा भाई रिलेटेड पर्सन नहीं है, वो क्या कह रहा है, फैमिली मीन्स स्पाउस और चिल्ड्रन, मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरी फैमिली में, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑफ सैड पर्सन, मेरे माँ बाप मेरे दादा दादी मेरे भाई बहन तभी मेरी फैमिली है जब वो मुझ पर डिपेंडेंट है, जब वो मुझ पर डिपेंडेंट है, ठीक है जी, समझ में आया, देख लो। ठीक है जी, अब 9 बज गए हैं, अब मेरे बेटे का टाइम शुरू हो गया है, ठीक है ना, अब ये कह रहा है क्लास कर दो ऑफ, क्योंकि इसे बताया गया था कि 9 बजे के बाद क्लास ख़त्म हो जाएगी। हेलो करो सबको, बाय कर दो सबको, बाय सबको, बाय कर दो, बाय बाय बेटा, ठीक है, बाय।
तो बाकी की क्लास कल की क्लास में करेंगे हम, ठीक है ना? ठीक है, हाँ ठीक है जी, ओके, टाटा बाय बाय। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। ये महेश जी कंजूस है, ये चॉकलेट दे रहे हैं ऐसे, है ना? है ना? ठीक है, इसका नाम क्या है? टाटा कर रहा है। नाम बताओ, क्या है तुम्हारा नाम? नाम बताओ अपना। इसका नाम है केशु जैन। हाँ जी, केशु जैन। हाँ, के से स्टार्ट है, केशु जैन। चलो ओके, टाटा बाय बाय। ठीक है ना? हाँ हाँ, ओके ठीक है, चल ठीक है जी। कल की क्लास, कल आप लोगों के लिए 3 से 6 वाली क्लास, वो 12 से 3 वाला सेशन फ्री है GSTR 99C का, ठीक है ना? तो उसमें मिलते हैं, 99C तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर, और शाम की क्लास में हम ये वैल्यूएशन ख़त्म कर लेंगे, ठीक है?